कटनी थाना कांड के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस हमलावर है और इतनी हमलावर कि पीड़िता के घर खुद पहुंच गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, जीतू पटवारी ने पहले ही कह दिया कि थाने के अंदर जो बर्बरता हुई है तो अब बुलडोजर चलेगा क्या? जो टीआई महिला टीआई जिन्होंने बर्बरता की, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलाएगी सरकार? लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए जीतू पटवारी, हिम्मत दी और इतना भी कह दिया पीड़िता से कि मेरे साथ चलो थाने, एफआईआर दर्ज कराओ। देखिए, हम डर के मारे और हम और कहीं नहीं गए कि हम करेंगे तो हमको और ले जाएंगे तो मारेंगे। अच्छा, हम ये डर के रहे। भैया कहाँ सो जाते हैं? भैया ले गए, बोले डरो नहीं कि चलो हमारे भैया कहाँ तो बता देना था भैया। आप अभी उनके खिलाफ एफआईआर लिखाने का मन है आपका? हाँ। ये लिखाओगी? हाँ। मैं चलूंगा साथ में थाने में। हाँ। चलोगे आप? हाँ, बगर मारे ना सर। अब किसकी मारे? नहीं, नहीं मारेंगे। तो ये पीड़ित परिवार के यहाँ की तस्वीर है जहाँ जीतू पटवारी पहुंचे और पीड़िता जो थी यानी की माँ और साथ ही साथ परिजन और भी जो कि वायरल वीडियो में नजर आए थे, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। वीडियो पिछले साल का बताया गया, वायरल अब हुआ और वायरल हुआ तमाम सवाल उठे। सवाल इस कदर उठे कि कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई। अब पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे जीतू पटवारी ने हिम्मत तो दी, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, थाने चलो। दरअसल अब ये मुद्दा इसलिए और बढ़ गया, हालांकि सरकार ने एक्शन ले लिया, जो लेडी टीआई हैं उनके समेत कई पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने तैयार नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद ही एक्टिव हो गए, सक्रिय होकर भोपाल से कटनी तक पहुंच गए। कटनी में पीड़ित परिवार के बीच बैठकर जीतू पटवारी ने बड़ा भरोसा तो दिया, साथ ही साथ हिम्मत दिखाते हुए ये भी कह दिया कि जो लेडी टीआई है सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, एफआईआर दर्ज करानी होगी उनके खिलाफ। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस सक्रिय तो है, सक्रिय के साथ कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। इस तरीके के जब वीडियो सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और यही वजह है कि कांग्रेस पीछे हट नहीं रही है, सरकार को घेर रही है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रही है। पीड़ित परिवार ने आप बीती सुनाई और जीतू पटवारी ने आप बीती सुनने के बाद सीधे तौर पर यह भी आश्वासन दे दिया कि कांग्रेस उनके साथ में है। अब देखना यह कांग्रेस उस मुद्दे को कहां तक आगे लेके जाती है। कटनी से आप तक खबर पहुंचाई अमर तामकार ने, आप देखते रहें।